बीजापुर जिले में बाबा साहेब अंबेडकर की 131वीं जयंती पर सभी समाज के प्रमुख एवं नागरिक गणों द्वारा बीजापुर जिले में रैली का कार्यक्रम किया गया, जहां पर रैली सांस्कृतिक भवन से प्रारंभ होकर बाबा साहेब की प्रतिमा तक पहुंची, जहां पर बाबा साहेब को माल्यार्पण कर तत्पश्चात रैली पुनः मस्जिद चौक पर पहुंची, जहां मुस्लिम समाज द्वारा शरबत पिलाने का कार्यक्रम किया गया। वहां से रैली पुनः बीजापुर कलेक्ट्रेट से होकर सांस्कृतिक भवन को पहुंची, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा को विक्रम शाह मंडावी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। रायपुर एवं बाहर से आए हुए प्रमुख वक्ताओं द्वारा बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला गया एवं रंगारंग कार्यक्रम आगाज ऑर्केस्ट्रा द्वारा किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में समाज के प्रमुखों द्वारा क्षेत्र के विधायक श्री विक्रम शाह मंडावी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री शंकर कुड़ियम, जिला पंचायत सदस्य नीना रावते उद्दे एवं जोगी, कांग्रेस के श्री सकनी चंद्रैया, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जमुना सकनी, कांग्रेस के युवा नेता श्री अजय सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां समाज के हर एक वर्ग के द्वारा किया गया उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को सम्मान चिन्ह भेंट किया गया, तत्पश्चात समापन किया गया। यह थी सभी तक न्यूज सच की आवाज, बीजापुर से संवाददाता सिरोज विश्वकर्मा। जयंती के अवसर पर सौर समाज द्वारा आयोजित इस जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के सभी सम्मानित मंच, सौर समाज के सभी सम्मानित साथी और उपस्थित इस तपती धूप पे आज इस कार्यक्रम में आयोजित सभी माताएं, बहनें और मेरे पत्रकार साथियों, मुझे थोड़ा मध्यर तक जाना है, कार्यक्रम आज बहुत सारा है, इसलिए मैं जल्दी बोल के आप सब सुविधा लेना चाहता हूँ और दो दिन कार्यक्रम और है, इसलिए माफी चाहता हूँ। मैं गुरु आरडी झाड़ी सर ने बहुत सारे बातों को आप सबके बीच में रखा है। आज हम सब लोग, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी समाज का क्यों ना हो, आज सब हम अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने कार्यों में आगे बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं सबका आज किसी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है। साथियों, आज सोचिए, अपने आप को समझने का प्रयास करिए कि आज हम जहाँ पर भी हैं, देश आज़ाद हुआ है, उसके कितने सालों में हम अपने अपने स्थानों पर खड़े हैं, इससे पूर्व हमारी स्थिति क्या थी, हमारे पूर्वज क्या थे, हमारे देश का संविधान क्या था, हमारे देश की स्थिति क्या थी और आज क्या है, तो अपने आप हम सबको इसकी समीक्षा करने की आज जरूरत है। आज मैं ये नहीं कहना चाहता कि बाबा भीमराव अम्बेडकर सिर्फ किसी एक वर्ग, किसी एक समाज या किसी दल के विशेष के नहीं है। आज उनके अनुयायी देश छोड़िए पूरे विश्व भर में लोग हैं। आज विश्व भर के लोग ये चाहते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं, इस चीज को समीक्षा करते हैं कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश, जो इतने भारी सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारा है, उस देश को कैसे चल रहा है, इस देश को चलाने में संविधान है और उस संविधान को किसने लिखा और उस कितने नहीं दिया, किसी भी वर्ग के ऊपर ये नहीं सोचा कि इनके साथ अन्याय हो, लेकिन बराबर सबको साथ लेते हुए, सबको एक साथ एक मंच पर लेते हुए चलने का काम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। और लगातार आप सब देखते हैं कि आज पूरे देश में, पूरे विश्व में